हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर स्टडीड फर्स्ट सिक्स स्टैंजास ऑफ द पोएम नंबर 6 ऑफ यूपी बोर्ड ला बेल डेमसेंस मर्सी कंपोज बाय जॉन कीट्स। टुडे वी विल एक्सप्लेन नेक्स्ट 6 स्टैंजास ऑफ द पोएम। एज आई told you in the previous lecture that John Keats was known for his romantic poetry. In his poems we find romanticism. In this poem is also a fine example of romanticism. In this poem poet express his own romance, his own unsatisfied love. He expressed in this poem how he was disused by a beautiful lady. This is why the name of the poem is La Belle Damsence Mercy, a lady without mercy, bina daya ki ek yuvti. In the beginning, the 3 stanzas were questions, and next, all of the 9 stanzas are answers. So, in the previous lecture, we noticed that the knight at arms put that beautiful lady on her pacing steed, and for the whole day long, he nothing else of that beautiful lady. In the 7 stanzas we see how they expressed love each other, how and where they managed and met and expressed their love. Let us see 7th stanza. She found me roots of relish sweet and honey wild and manna dew, and sure in language strange she said, I love thee too. She founds me. Founds माने यहाँ प्रबंध करना होता है. She founds me, उसने मेरे लिए प्रबंध किया. Roots of relish sweet. Roots माने जड़ होती है. Of relish sweet, मधुर स्वाद की. हम इसको क्या कह सकते हैं कि उसने मेरे लिए कंदमूल फलों का प्रबंध किया. उसने मेरे लिए खाने के लिए कंदमूल फलों का प्रबंध किया. एंड हनी वाइल्ड, एंड हनी, हनी मीन्स शहद और वाइल्ड मीन्स जंगली मधुमक्खी, और मेरे पीने के लिए जंगली मधुमक्खियों के शहद की व्यवस्था की. एंड मन्ना ड्यू, मन्ना ड्यू अमृत की बूंदे भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसके लिए यूज़ करेंगे सोमरस. उसने मेरे लिए कंदमूल फलों की व्यवस्था की, पीने के लिए जंगली मधुमक्खियों का शहद लेकर आई, और मेरे लिए सोमरस की व्यवस्था की है. ये भी कह सकते हैं कि पीने के लिए अमृत की व्यवस्था की, लेकिन अमृत से अच्छा यहाँ सोमरस ज़्यादा अच्छा लगता है. पीने के लिए जंगली मधुमक्खियों का शहद और सोमरस की व्यवस्था की. एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज ही सेड, एंड श्योर और निश्चित ही इन लैंग्वेज, भाषा में स्ट्रेंज विचित्र, जिसको नाइट एट आर्म्स समझ नहीं पाता कि उसने किस भाषा का प्रयोग किया, लेकिन वो इस चीज़ से श्योर है. एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंथ ही सेड, कि निश्चित ही उसने एक विचित्र भाषा में सेड कहा, आई लव थी ट्रू. यानी जो मैसेज था वो नाइट एट आर्म्स समझ जाता है, भाषा उसको समझ नहीं आती, इसलिए इसमें वर्ड यूज़ किया गया स्ट्रेंज, लैंग्वेज स्ट्रेंज, विचित्र भाषा में, अनजान भाषा में निश्चित रूप से उसने ये कहा, आई लव थी ट्री, कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ. तो नवयुवती उसको, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करती है, और विचित्र भाषा में उसे ये कहती है, या अनजान भाषा में उसे ये कहती है कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ. ये आपका 7th स्टैंजा. 8th स्टैंजा, नेक्स्ट क्या होता है? मैंने बताया था ना, द पोएम इज बैलेड, एंड इन द बैलेड ए स्टोरी इज डेवलप. शुरू से ही हम देख रहे हैं एक कहानी
धीरे 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 डेवलप हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेंजा, एट्थ स्टेंजा में क्या है, शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज विद किसिस फोर। शी टुक मी, वो मुझे ले गई टू हर एल्फिन ग्रोट, एल्फिन ग्रोट मीन्स होती है परियों की गुफा, वह मुझे अपनी परियों की गुफा में ले गई एंड देयर शी वेप्ट और वहाँ वह वेप्ट रोई एंड साइड और आहें भरी फुल सोर फूट फूट कर, वह मुझे अपनी परियों की गुफा में ले गई और परियों की गुफा में ले जाने के बाद उसने फूट फूट कर आहें भरी और वो जोर जोर से रोई। या फूट फूट कर आहें भरी और जोर जोर से रोई का मतलब सी एक्सप्रेस हर लव टू द नाइट एट आर्म्स, उसने रोते हुए आहें भरते हुए उस नाइट एट आर्म्स की तरफ अपना प्यार अपना प्रेम प्रदर्शित किया। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज विद किसिस फोर। इन दोनों लाइन में दैट लेडी एक्सप्रेस हर लव एंड इन दिस लाइन लास्ट टू लाइन्स ऑफ द स्टेंजा एट्थ, आठवें स्टेंजा के अंतिम दो लाइन में जो नाइट एट आर्म्स है, जो फर्स्ट टू लाइन में वो अपना लव एक्सप्रेस करती है तो रेस्पॉन्स आता है उसका नाइट एट आर्म्स लूज कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, अपने ऊपर से नियंत्रण खो देता है। एंड देयर आई सर्ट हर वाइल्ड आइज और वहाँ मैंने उसकी वाइल्ड आइज, देखिए यहाँ वाइल्ड मीन्स यहाँ भी वाइल्ड आया है और यहाँ भी वाइल्ड आया, बट हेयर वाइल्ड मीन्स जंगली मधुमक्खियों का शहद और यहाँ प्रेम से भरी हुई परिपूर्ण आँखें। एंड देयर और वहाँ आई शट हर वाइल्ड आइज, मैंने उसकी प्यार से भरी मनमोहक आँखों को शट बंद कर दिया विद किसिस फोर, बार बार चूम कर। पहली दो लाइन में क्या है कि वह लेडी ब्यूटीफुल लेडी परियों की बच्ची नाइट एट आर्म्स को अपनी परियों की गुफा में ले जाती है, वहाँ वह रोती है और फूट फूट करके आहे भर करके अपना प्रेम प्रदर्शित करती है और नाइट एट आर्म्स भी अपने ऊपर नियंत्रण खो देता है और उसकी मनमोहक प्रेम से परिपूर्ण आँखों को बार बार चूम करके उन्हें बंद कर देता है। इसी स्टंजा में बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस लव फॉर ईच अदर। इन नेक्स्ट स्टंजा नाइन्थ स्टंजा में देखते हैं, एंड देयर सी लल्ड मी अस्लीप एंड देयर आई ड्रीम्ड ऑह वो बिटाइड द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड एंड देयर सी लल्ड मी अस्लीप। और फिर क्या हुआ, एंड देयर वहाँ सी उसने लल्ड लोरी गाकर मी मुझे अस्लीप सुला दिया और फिर उसने मुझे लोरी गा करके सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड आह और क्या कहता है, मैंने वहाँ सपना देखा आहा दुख प्रकट करने के लिए सरप्राइज प्रकट करने के लिए और वहाँ मैंने एक भयानक सपना देखा वो बिटाइड कितना डरावना सपना था द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड और वो मेरा अंतिम सपना था द लेटेस्ट लास्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड कि वो मेरा अंतिम सपना था जो मैंने देखा था। इट मींस उसके बाद उस नाइट एट आर्म्स ने वी कैन से पोएट ने उसके बाद कोई सपना नहीं देखा, क्यों, ऑन द कोल्ड हिल साइड इस पहाड़ी पर, वो मेरा अंतिम सपना था जो मैंने इस पहाड़ी पर देखा, उसके बाद मैंने कोई सपना नहीं देखा। उसके बाद कोई सपना नहीं देखा का मतलब पोएट या नाइट एट आर्म्स या नरेटर उसके बाद सोया ही नहीं है और चूंकि वो सोया नहीं है इसलिए उसने उसके बाद कोई और सपना देखा ही नहीं है, वह उसका अंतिम सपना था। फिर से देखते एक बार नाइन्थ स्टेंजा को, एंड सी लड मी अस्लीप उसने मुझे लोरी गा करके सुला दिया एंड देयर आई ड्रीम्ड आह और वहाँ मैंने एक भयानक सपना देखा वो बिटाइड कितना भयानक सपना था द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड यही मेरा अंतिम सपना था जो मैंने वहाँ देखा ऑन द कोल्ड हिल साइड उस ठंडी पहाड़ी पर उसके बाद मैंने कोई सपना नहीं देखा। इट मीन्स इसके बाद वो नाइट एट आर्म्स सोता नहीं है, उसको नींद उसके बाद नहीं आती है। लेट अस सी टेंथ स्टेंजा। स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस स्टेंजा वी नोटिस्ड दैट नाइट एट आर्म्स ड्रीम्ड व्हेन द ब्यूटीफुल लेडी लल्ड हिम अस्लीप, जब वह सुंदर
युवती उस कवच पहने हुए योद्धा को सुला देती है लोरी गा करके। तो वो सपना देखता है, वो सपना कैसा बताया उसने, वो भयानक सपना था। अब इस 10th स्टैंजा में वो सपना क्या था उसके बारे में वो नाइट एट आर्म्स बताता है। जैसा मैंने बताया था कि जो पोएम है, जो पोएट है जोहन कीट्स, उसको एक बार प्यार हुआ था, एक फ्रेंच नवयुवती थी जिसका नाम फैनी ब्राउन था। तो इस पोएम को कंपोज करते समय नाइट एट आर्म्स पोएट स्वयं होता है और जो लेडी विदाउट मर्सी होती है वो उसकी बिलावड होती है। तो जब उसने उसको लोरी गा करके सुला दिया, वो सपना देखता है, वो सपना भयानक था। वो क्या सपना है इसमें बताता है अपना, क्या है 10th स्टैंजा में क्या सपना है। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, क्या देखता है नाइट एट आर्म्स सपने में देखता है। आई सा, मैंने देखा पेल किंग्स, पीले पड़े हुए योद्धाओं को, एंड प्रिंसेस टू, और राजकुमारों को भी, पेल वेरियर्स और पीले पड़े योद्धाओं को देखा। डेथ पेल वर दे ऑल, वे सब इस तरह से पीले पड़े हुए थे जैसे कि मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति पीला पड़ जाता है। नाइट एट आर्म्स बताता है कि मैंने सपना देखा और सपने में मैं क्या देखता हूँ कि मैं पीले पड़े हुए राजाओं को देखता हूँ, मैं पीले पड़े राजकुमारों को देखता हूँ, और मैं सपने में देखता हूँ पीले पड़े हुए योद्धाओं को। डेथ पेल वर दे ऑल, वे सब इस तरह से पीले, उनके चेहरे पर इस तरह की पीलापन था जैसा कि मृत्यु होने के बाद व्यक्ति पीला पड़ जाता है। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे, कौन, पेल किंग्स, पेल प्रिंसेस एंड पेल वेरियर्स। दे क्राइड, वो चिल्लाए, ला बेल डेम सेंस मर्सी, क्या चिल्लाए, ला बेल डेम सेंस मर्सी, कि ये नवयुवती बिना दया की है, इसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। हेत थी इन थ्रेल, और क्या कहते हैं, हेत थी, तुम भी इन थ्रेल, उसके दास बन गए हो, उसके प्रेम के वशीभूत हो गए हो, उसके जाल में फंस गए हो। इट मीन्स ये पीले पड़े हुए राजा, ये राजकुमार और ये योद्धा जो सपने में देखे थे नाइट एट आर्म्स ने, वो सब भी शायद इस नवयुवती के द्वारा इसी तरह से छल लिए गए थे, इस तरह से उनको भी अपने प्रेम जाल में फंसाया गया था। तो वो क्राइड, चिल्ला करके नाइट एट आर्म्स को कह रहे थे, ला बेल डेम सेंस मर्सी, कि यह महिला, यह नवयुवती बिना दया की है, इसके अंदर दया नहीं है, और तुम भी इसके जाल में फंस गए हो, या तुम भी इसके प्रेम पाश में दास बन गए हो जिस तरह से हम बने थे। तो ऐसी वो चिल्ला करके नाइट एट आर्म्स को कहते हैं, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि मृत्यु होने के बाद कोई व्यक्ति पीला पड़ जाता है। क्या कहता है नेक्स्ट में, डिस्क्राइब करता है उनकी कंडीशंस। आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स इन हिज ग्लूम विद हॉरिड वार्निंग गैप प्रोवाइड एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड। क्या कहता है, आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स, ऐसा मैंने देखा, देयर माने उनके स्टार्व्ड लिप्स, सूखे हुए होठों को, पीले पड़े हुए होठों को देखा। इन हिज ग्लूम, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, और मैंने उन पीले पड़े राजाओं, राजकुमारों और योद्धाओं के सूखे और पीले पड़े हुए होठों को देखा। विद होरिड वार्निंग गैप्रोवाइड, और कैसे दिखाई दे रहे थे वे होठ, विद होरिड, भयानक थे, वार्निंग जैसे कि मानो चेतावनी दे रहे हो, गैप्रोवाइड, गैप्रोवाइड का मतलब चौड़े खुले हुए थे। मैंने उन राजाओं, राजकुमारों और योद्धाओं के पीले पड़े हुए सूखे होठों को अंधकार में देखा। विद होरिड वार्निंग गैप्रोवाइड, जो एक भयानक चेतावनी दे रहे थे और चौड़े खुले हुए थे। क्या चेतावनी थी, चेतावनी ये थी, ला बेल डेम सेंस मर्सी है तीन त्रैल, कि तुम भी उसकी जाल में फंस गए हो, वह नवयुवती ट्रस्ट करने लायक नहीं है, धोखेबाज है, और तुम भी जैसे हम उसके जाल में फंसे थे, तुम भी उसके शिकार बन गए हो। एंड आई अवोक, और देखिए जब वो सब चीज़ देखता है, एक भयानक सपना देखता है, तो क्या होता है, एंड आई अवोक, और मैं जाग जाता हूँ, एंड फाउंड मी हेयर, और मैं अपने आप को यहाँ पाता हूँ, ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी पर।
नाइट आइटम्स को कहाँ लेके गई थी वो लेडी? एल्फिन ग्रोट में लेके गई थी, परियों की गुफा में लेके गई थी। दोनों ने एक दूसरे के प्रति प्रेम का इजहार किया था, प्रेम प्रकट किया था। फिर उसने लोरी गा करके उसको सुला दिया था। वो सपना देखता है, वो सपना भयानक होता है, डरावना होता है। सपने में क्या देखता है वो सारा डिस्क्राइब किया उसने, और उस सपने को देख करके नाइट एटम्स डर करके जग जाता है। और क्या पाता है? एंड आई अवोक, और मैं जाग जाता हूँ, एंड फाउंड मी हियर, और अपने आप को यहाँ पाता हूँ ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी पर। यानी फिर जो नाइट एटम्स है वो अपने आप को उस ठंडी पहाड़ी पर पाता है, जबकि जब वो सोया था तब वो परियों की गुफा में था। इज दैट क्लियर? अब लास्ट स्टैंजा में वो एक्सप्लेन करता है अपने डिजेक्टेड और अनसेटिस्फाइड लव को। एंड दिस इज भाई आई सोजर्न हियर, जो फर्स्ट स्टैंजा में क्वेश्चन किया गया था, ओ व्हाट कैन एल थी नाइट एट आर्म्स, के कवच पहने हुए योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है। लास्ट में वो लास्ट स्टैंजा में बता रहा है, एंड दिस इज भाई आई सोजर्न हियर, एंड दिस इज भाई, और यही कारण है आई सोजर्न हियर, मैं यहाँ ठहर गया हूँ। सोजर्न मीन्स स्टे, और यही कारण मैं यहाँ ठहर गया हूँ। अलोन, अकेला, एंड पेलली, और पीला पड़ा हुआ, उदास, लोइटरिंग, भटक रहा हूँ। यही कारण है कि मैं यहाँ ठहर गया हूँ और उदास, अकेला, भटक रहा हूँ। थो द सीज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि झील के अंदर की घास बहुत अधिक ठंड होने के कारण सूख चुकी है, एंड नो बर्ड सिंग, और कोई पक्षी वहाँ नहीं चहचहा रहा है, मीन्स सभी पक्षी वहाँ बहुत अधिक ठंड होने के कारण उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर पलायन कर गए हैं, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, भटक रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ उस नवयुवती को जिसको मैं बहुत प्यार करता था और जिसने मेरे साथ धोखा किया है। अब नाइट एटम्स का जो हाल है वो ठीक इन पेल किंग्स और उन प्रिंसेस की तरह से हो रखा है, वेरियर्स की तरह से हो रखा है। वो उस नवयुवती द्वारा छला जाता है, वो नवयुवती उसको छल लेती है। उसी की तलाश में जो नाइट एटम्स है वो उस ठंडी पहाड़ी पर पीला, उदास, बिना किसी मकसद के, बिना किसी उद्देश्य के, यहाँ वहाँ भटकता फिर रहा है। फर्स्ट स्टैंजा में क्वेश्चन अरेंज किया गया था, और बाकी के आपके जो सारे स्टैंजाज हैं उनमें उनका आंसर दिया गया है। लास्ट स्टैंजा में बताया गया है कि वह उस पहाड़ी पर क्यों रुका हुआ है, किस लिए रुका हुआ है। वो सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है उस महिला को, जिस महिला के जाल में वो फंसा था, उस महिला के प्रेम में वशीभूत हो गया था। और वो महिला ला बेल डेम सेंस मर्सी है, वो बिना दया की महिला है। ऐसे ही अपने प्रेम पास में, प्रेम जाल में लोगों को फंसती है। जैसा मैंने पहले बताया था कि जॉन किट्स को प्यार हुआ था एक बार एक फ्रेंच नवयुवती से, जिसका नाम फैनी ब्राउने था। तो पोएट ने अपने ही एक तरह से अनसेटिस्फाइड लव को इस पोएम के द्वारा एक्सप्रेस किया है कि किस तरह से उसके साथ धोखा हुआ था, किस तरह से उसने किसी पर विश्वास किया था और विश्वास करके किसी को प्यार किया था, और किस तरह से उस प्यार में उसको धोखा प्राप्त हुआ था। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।